पेशावर से अब्बास मलिक के मुताबिक, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तावान की गरज से अगवा नौजवान को बाजियाब करा लिया। एसपी सदर सर्किल मलिक हबीब ने नौजवान की बाजियाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन इनकलाब की हुदूद से 20 साल अदनान 20 जनवरी को अगवा किया गया था। अगवाकारों ने मगवी की रिहाई के लिए $3 लाख की डिमांड कर रखी थी और इसे खैबर जिला की पहाड़ी में वाकई एक गार में छुपा रखा था। एसपी ने बताया कि मगवी को तीरा खैबर एजेंसी और औरकजई के पहाड़ी इलाके में रखा गया था। मगवी को मुख्तलिफ मकामात पर रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। वाइस मैसेजेस खानदान को भेजे जाते रहे। मगवी तालिब इल्म का ताल्लुक देर के इलाका पातराक से था। तालिब इल्म को फीस बिक दोस्त सद्दाम ने पेशावर बुलवाया था और स्कीम चौक में जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अगवा किया गया था। एसपी ने मजीद बताया कि ऑपरेशन में नौजवान को बाजियाब करा लिया गया, ताहम अगवा में मुलव्वस मुलजमान छापे के दौरान फरार हो गए। पेशावर मुलजमान की तलाश में छापों का सिलसिला शुरू। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट का विजिट करें crimemail.pk। देखें, ये अगवा बराए तावान का केस था। अगवा बराए तावान बच्चा जो है दीनी मदरसे का तालिब इल्म था, इसका ताल्लुक बना फेसबुक मैसेंजर पे एक लड़के सदाम से जो अफगानी है, वो भी दीनी इल्म का तालिब इल्म था, ये भी था। आपस में बातें होती रहीं 6-7 माह। इस मगवी को एक किताब की ज़रूरत पड़ी तफसीर की, 8वें दर्जे का तालिब इल्म है। तो जब इसने उस किताब का जिक्र किया तो उस बंदे को ये अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि चले यहाँ पे अब हमारा काम बन जाएगा। तो ये बच्चा जो है बजाय मदरसे के जाने के पेशावर आया किताब की खातिर। उस बंदे ने फिर इसको फर्दर एक नंबर दिया कि इस पर रब्ता करें। जब इसने रब्ता किया तो बच्चे को उठा लिया गया एक गाड़ी में, महरान ग्रीन कलर की महरान थी। फिर इसको इंजेक्ट किया गया नशे की दवाई और जब इसकी आँख खुली तो ये वहाँ पर कैद में था। फिर जो है चूँकि इन्होंने इनिशली रिपोर्ट पतराक थाना दीर में दर्ज करवाई थी, फिर सेलुलर डेटा पे काम हुआ इसके नंबरों पे, वहाँ से पता चला कि इसकी लास्ट लोकेशन स्कीम चौक आई थी। फिर CCPO साहब ने इस बात का नोटिस लिया, फिर यहाँ पे FIR हुई और FIR के विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ हमने जो है बच्चे को बाजियाब करवाया बाहिफाजत।